नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा की। दोस्तों, तिथि बढ़ चुकी है, यानी कि दोस्तों जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्र परीक्षा थी उसकी 1 मई की परीक्षा तिथि को बढ़ाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए ले चलते हैं डायरेक्ट PEB की वेबसाइट पर, जहाँ पर यह नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है। तो दोस्तों, यह आपके सामने जो है यह है PEB की ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों, इसमें जो है नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। दोस्तों, यह इसमें लिखा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की परीक्षा तिथि को वृद्धि करने के संदर्भ में यह जो सूचना है, यह नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसको ओपन करके भी अपन इसको देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही अपन ओपन करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह 21 दिसंबर 2018 को जारी किया गया, यानी कि अब भी 5 से 10 मिनट पहले यह इसको अपलोड किया गया है वेबसाइट पर। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है और परीक्षा होनी थी और माध्यमिक शिक्षक पात्र परीक्षा होनी थी, उसको तिथि को इनक्रीज किया गया है। दोस्तों, देख लेते हैं डिटेल्स इसको अपन क्या क्या इसमें दिया है। इसमें दोस्तों कहा है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्र परीक्षा 2018 का आयोजन दिनांक 29 दिसंबर से एवं माध्यमिक शिक्षक पात्र परीक्षा 2018 का आयोजन 19 जनवरी से प्रस्तावित था। यानी कि दोस्तों, वर्ग एक का पेपर जो होना था वह 29 दिसंबर से होना था और वर्ग दो का 19 दिसंबर से होना था, लेकिन दोस्तों कुछ कारणवश यहाँ पर इन दोनों परीक्षा तिथियों को क्रमशः 1 माह की वृद्धि की गई है। ठीक है, 1 माह की वृद्धि की गई है। दोस्तों, यह कंफर्म नहीं किया गया है कि 1 माह बाद ही इसकी परीक्षा होगी। दोस्तों, इसलिए इन्होंने यह दोस्तों निश्चित किया गया है कि आगामी समय सारणी PEB की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यानी कि दोस्तों, अभी फ़िलहाल यह परीक्षा जो है वह 1 माह के लिए टाल दी गई है और दोस्तों आगामी दिनों में आपको नए समय सारणी मिल जाएगी कि कब आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होना है वर्ग एक का और वर्ग दो का। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों आपको 1 महीना का टाइम बोनस के रूप में मिल गया है। ठीक है, यानी कि बोनस के रूप में आपको 1 माह का टाइम मिल गया है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करने की। यानी कि यदि आपका रिवीजन रह गया है तो आप और अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हैं वर्ग एक का और वर्ग दो का, क्योंकि आपको 1 महीने का टाइम और एक्स्ट्रा मिल गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही है, वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नया अपडेट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।